लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुका है। जहां बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, वहीं 300 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। हालांकि बीजेपी की सरकार बन गई है, लेकिन ये सरकार गठबंधन की सरकार है। 2014 और 2019 में बीजेपी ने अकेले अपने दम पर सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार टीडीपी और जेडीयू के सहारे बीजेपी की सरकार बनी है। देखा जाए तो बीजेपी को कई राज्यों में इस बार नुकसान हुआ है, सबसे ज्यादा यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा में। अब सोचने वाली बात यह है कि इस साल यानी 2024 में कई राज्यों में असेंबली इलेक्शन होने हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी को नुकसान हुआ है और वहां इलेक्शन होने वाले हैं, जैसे हरियाणा। हरियाणा के लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली है। पिछले चुनाव में राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी इस बार 5 सीटें ही जीत सकी। कांग्रेस ने 5 सीटें जीतने के साथ ही यह संदेश दे दिया है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए लड़ाई बेहद कठिन रहने वाली है। चलिए आज हरियाणा के पॉलिटिक्स पर नजर डालते हैं, देखते हैं इस बार हरियाणा में बीजेपी का कमल खिलेगा या फिर कांग्रेस का पंजा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हरियाणा में 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार चलाई थी। बीजेपी साल 2014 में पहली बार अपने दम पर हरियाणा में सत्ता में आई थी। इसके बाद उसने 2019 में भी अपनी सरकार बनाई, लेकिन उसकी सीटों का आंकड़ा कम हुआ था। 2014 में 90 सीटों वाली हरियाणा में 47 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने 2019 में 40 सीटें ही जीती और उसे जननायक जनता पार्टी से यानी जेजेपी के साथ गठबंधन करना पड़ा था। गठबंधन के तहत उसने जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनाया था। इस साल फरवरी में बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ लिया। इसके साथ ही पार्टी ने अपने नेतृत्व में भी बदलाव किया है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि गैर जाट राजनीति के रास्ते पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। 2014 से लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे मनोहर लाल खट्टर की जगह पर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई। मनोहर लाल खट्टर के बाद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप कर बीजेपी ने इस बात का साफ साफ संदेश दिया था कि वो हरियाणा में गैर जाट राजनीति के रास्ते पर आगे बढ़ेगी। हरियाणा में 25% आबादी जाट समुदाय की है और इस तरह गैर जाट समुदाय 75% है। मुख्यमंत्री बनने से पहले सैनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और इस तरह सरकार और संगठन के दोनों बड़े पदों पर भाजपा ने गैर जाट नेताओं को बैठाया था। वहीं लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं, उससे बीजेपी की राह काफी मुश्किल दिखाई देती है, क्योंकि 90 में से 44 सीटों पर बीजेपी आगे बढ़ रही है, जबकि 46 सीटों पर इंडिया गठबंधन। कांग्रेस ने जिन 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, उसमें से वो 42 विधानसभा सीटें और आम आदमी पार्टी अपने हिस्से से आई कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की 4 विधान सीटों पर आगे रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 79 विधानसभा सीटों पर आगे रही थी, लेकिन विधानसभा के चुनाव नतीजे आने पर वो सिर्फ 40 सीटें ही जीत पाई थी। ऐसे में उसके लिए इस बार के लोकसभा चुनाव के नतीजे निश्चित रूप से चिंताजनक हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ग्रामीण यानी कि रूरल इलाके में कांग्रेस आ गया है तो शहरों में बीजेपी कैसे, चलिए बताते हैं। लोकसभा चुनाव के आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण यानी रूरल इलाके में कांग्रेस का दबदबा कायम है। इन इलाकों में जाट समुदाय का समर्थन भी कांग्रेस के साथ रहा है। उदाहरण के लिए देखें तो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार राव दान सिंह को जाट बहुल इलाके यानी लोहारू, बाढ़वा और दादरी से लीड मिली थी, आगे बढ़े थे, लेकिन उन्हें यादव बहुल विधानसभा क्षेत्रों में कम समर्थन मिला और इस वजह से वो चुनाव हार गए। इसी तरह सोनीपत से कांग्रेस के उम्मीदवार सतपाल ब्रह्मचारी को जाट समुदाय के वर्चस्व वाले विधानसभा क्षेत्र खरखौदा, लोहाना, बदौरा, जुलाना में आगे बढ़े थे, मतलब वहां से उन्हें लीड मिली थी, उसके बाद उनकी जीत का रास्ता साफ हुआ था। दूसरी ओर बीजेपी को शहरी क्षेत्रों में लीड मिली है। बीजेपी को करनाल, पानीपत, शहरी पानीपत, सोनीपत, हिसार, फरीदाबाद, गुड़गांव और बादशाह पूर्व विधानसभा क्षेत्र में बढ़त मिली है। यानी के शहरों में बीजेपी आगे और गांव में
कांग्रेस आगे, या ऐसा समीकरण बनता हुआ दिख रहा है। अब हरियाणा में कांग्रेस ने 5 लोकसभा सीटें तो जीती ही है, अपना वोट प्रतिशत भी बढ़ाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हरियाणा में 28% वोट मिले थे, जबकि इस बार 43% वोट मिले हैं। बीजेपी को पिछली बार 58% मिले थे, जबकि इस बार उनका वोट प्रतिशत घट गया है और वो 46% पर आ गया है। निश्चित रूप से बीजेपी के वोट शेयर में जबरदस्त गिरावट आई है, जबकि कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है। ऐसे में बीजेपी का राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व आने वाले दिनों में हरियाणा के लिए एक नई रणनीति के साथ काम करता दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान किसानों का गुस्सा 7वें स्थान पर देखने को मिला था। पूरे राज्य में बीजेपी उम्मीदवारों को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा था। चुनाव प्रचार के दौरान सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निवीर योजना और महिला पहलवानों के यौन शोषण के मुद्दे पर भी हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा दिखाई दिया था। अब या तो मोदी शाह को बदलनी होगी अपनी रणनीति। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस के पास जहाँ हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रूप में एक हैवी वेट जाट चेहरा है, तो वहीं बीजेपी के पास गैर जाट चेहरों के रूप में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उभय भान भी गैर जाट समुदाय यानी दलित समुदाय से आते हैं। ऐसे में जातियों की सियासी गुणागणित के बीच विधानसभा चुनाव की चुनौती बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मुश्किल है। अब समझने वाली बात यह भी है कि कांग्रेस के 5 में से 4 सांसद ऐसे हैं जिन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सिफारिश पर टिकट मिला था। इसमें सतपाल ब्रह्मचारी सोनीपत से, वरुण चौधरी अंबाला से, जयप्रकाश हिसार से और हुड्डा के बेटे यानी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल है, जिन्होंने जीत दर्ज की थी। अब ये भी समझ लीजिए कि कांग्रेस ने 2019 के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त कमबैक किया था। लोकसभा चुनाव में सभी सीटें हारने के बाद अगले 6 महीने के भीतर हुए विधानसभा चुनाव में ही कांग्रेस ने 31 सीटें जीती थी, जबकि 2014 के विधानसभा चुनाव में उसे सिर्फ 15 सीटों पर जीत मिली थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का हरियाणा में ग्राफ धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहा है। वहीं देखा जाए तो बीजेपी लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन के बाद इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं वो पिछली बार की तरह बहुमत से दूर न रह जाए, क्योंकि अब उसने जेजेपी के साथ अपना गठबंधन भी तोड़ लिया है। ऐसे में उसे विधानसभा चुनाव में अकेले ही जाना पड़ेगा। जेजेपी भी गठबंधन तोड़े जाने से बेहद नाराज है और उसने कांग्रेस से कहा है कि वो सैनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी तो जेजेपी उसका समर्थन करेगी। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। और माना यह भी जा रहा है, बताया जा रहा है कि बीजेपी हरियाणा से अपनी साख को गवा भी सकती है, मतलब ये कि हरियाणा से बीजेपी की सरकार जा भी सकती है। देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस अगर चाहती तो हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव ला सकती थी जब जेजेपी से और बीजेपी का गठबंधन टूटा था, उस वक्त लाया जा सकता था, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। क्योंकि अभी महज कुछ ही दिन पहले ऐसा हुआ था जब इन दोनों के बीच में गठबंधन टूट गया था, यानी जेजेपी और बीजेपी के बीच का गठबंधन टूट गया था। अब महज कुछ ही दिन बचे हैं हरियाणा असेंबली चुनाव के लिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार हरियाणा में क्या होने वाला है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।